हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये देखिए कौन सा गाड़ी है, टाटा की पंच गाड़ी है। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम फ्रेंड्स ऐसा है कि इसका भी मैंने बैटरी वाइज निकल दिया, इसके लिए मीटर बंद है। हम लोग चाबी भी ऑन करेंगे तो सब बंद है, क्योंकि इसका मैंने मीटर खोल दिया है, आप बैटरी वायर खोल दिया है, मीटर बंद है। फ्रेंड्स ये देखिए इधर एरर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आ रहा है। इसका एरर पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए इसके जॉब कार्ड में क्या लिखा है। इसका फ्यूल का गेज है, देखिए यहाँ पे देखिए, फ्यूल गेज इनकरेक्ट नॉट वर्किंग, फ्यूल गेज वर्किंग चेक। इसका फ्यूल गेज जो सीएनजी का फ्यूल गेज आता है यहाँ पे ऊपर साइड में, ये देखिए यहाँ पर, ये नीचे ये पेट्रोल का आता है, ये ऊपर सीएनजी का आता है। तो सीएनजी का ये जो फ्यूल का है ये क्या करता है, बार बार बीच बीच में ब्लिंकिंग करता है, चालू बंद होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए एरर भी यहाँ पे आया है, देखिए ये एरर है। और इसका कोड आप लोग देखेंगे तो ये देखिए P01EA1-15। तो इलेक्ट्रिक मैक्स एरर फॉर सीएनजी टैंक प्रेशर सेंसर, टैंक प्रेशर सेंसर शॉर्ट टू बैटरी और ओपन सर्किट बोल के आ रहा है, इसका एरर आ रहा है। और ये क्या होता है, ये कंटिन्यू आता है, इसको हम लोग डिलेट भी करेंगे ना वापस आ जाता है, बीच बीच में आते जाते रहता है, ये एरर आ रहा है। और ये मेमोराइज में है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे मीटर में अगर कस्टमर का सिम्टम्स क्या है, तो ये ब्लिंकिंग होते रहता है, कभी फुल दिखाएगा, कब ब्लिंकिंग करेगा, कभी फुल दिखाएगा, कभी ब्लिंकिंग करेगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोग के साथ, मैं ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा देखना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना, और जो भी आपका रिक्वेस्ट है, कमेंट है, तो कमेंट करना फ्रेंड्स, उसको मैं पढ़ता हूँ, जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं आपको इंजन में दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब खोला है, ये देखिए हम लोग बैटरी के पास आए तो इसका टर्मिनल मैंने छुड़ाया है। तो ये देखिए मैंने मल्टीमीटर है हमारे पास, दो मल्टीमीटर मैंने लिया है, और यहाँ पे चेक लाइट भी लिया है। और इसका मैंने इस ईसीयू का सॉकेट डिस्कनेक्ट किया है, इसके लिए स्विच ऑन करके आपको नहीं दिखाया प्रॉब्लम, क्योंकि मैं डायरेक्ट पहला प्रॉब्लम पे आया कि क्या करूँ बोल के। ये देखिए हम लोग यहाँ पे इसका वायरिंग चेक कर रहे हैं। अगर आप लोग इसका डायग्राम चाहते हैं, सीएनजी का जो ये प्रेशर स्विच है, रेल प्रेशर स्विच भी बोलते हैं और सीएनजी प्रेशर स्विच भी बोलते हैं। ये देखिए इसमें तीन वायर आता है, और इसका सॉकेट अगर आपको मैं दिखा दूँ, इसमें मैंने वायर लगाया, ये ऐसे इसको तीन पिन आते हैं फ्रेंड्स। और ये तीनों पिन के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये दो नंबर करके एक है, तो ये दो नंबर जो है वो आता है डायरेक्ट इसके दूसरे सॉकेट में, इश्यू के देखिए ये इश्यू है, ये वाले में उसका सॉकेट का आता है वायर, और वो नंबर भी मैं आपको दिखा दूँ, इसका नंबर है दो नंबर है। और उसका वायर का कलर कोड आपको दिखा, ये देखिए इसका कलर कोड अगर मैं बता दूँ तो ग्रे कलर आता है, उसके अंदर एक ब्लैक लाइन है, तो ये दो नंबर है, इस पर लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो तीन नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे दो नंबर, तो दो नंबर का लाइन हमको चेक करने का। और इसी का दूसरा सॉकेट है ये साइड का, लेफ्ट साइड वाला, तो उसके अंदर आपको देखना होगा 109 नंबर। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर, क्योंकि 112 आता है, तो यहाँ से 4 अगर हम लोग ये माइनस में जाएंगे तो 109 नंबर पिन है उसका। मैंने यहाँ से कंटिन्यूटी लिया है, ये देखिए मैं अगर ये कंटिन्यूटी पे रह कर रहा हूँ तो इसका आवाज़ आ रहा है। अगर मैं इसका रेजिस्टर में भी चेक करूँ तो ये देखिए 0.0 बता रहा है, मतलब ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ज़्यादा वो अगर कनेक्टेड रहेगा, डिसकनेक्टेड रहेगा तो ओएल बता देगा, जो कि अभी 0.0 बता रहा है। और हम लोग कंटिन्यूटी पे रखेंगे तो कंटिन्यूटी भी बज रहा है। तो ये आपको लाइन चेक करना है तो ऐसा चेक करना है, ईसीयू का वायर में उसका प्रेशर का वायर आता है यहाँ पर, और यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ से लेके वहाँ तक कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। और बाकी प्रेशर के लिए आपको फ्यूज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं, रिले चेक करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ प्रॉपर है। और कोई अर्थिंग रहेगा, अर्थिंग चेक करके लेना प्रॉपर, ईसीयू का अर्थिंग, साइड का अर्थिंग जो भी है चेक करके लेना। कभी कभी ईसीयू अर्थिंग का वैसे भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये सब अर्थिंग प्रॉपर लगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसका वायरिंग चेक किया, कंटिन्यूटी चेक किया,
और शॉर्ट टू बैटरी निगेटिव, शॉर्ट टू बैटरी पॉजिटिव ये भी चेक किया, कंटिन्यूटी भी सही है। तो अभी रह गया हमारे पास एक ही चेंज करके देखने का, वो है इसका ये सेंसर प्रेशर स्विच। तो ये हम लोग देखेंगे दूसरा डाल के, फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या और एरर चला जाता है क्या, फिर ट्रायल भी मार के देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको सब फिटिंग करके लेता हूँ, आपको मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा मीटर में। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बैटरी वायर सब लगा दिए, एसीओ का भी लाइट लगा दिया, हम लोग स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए स्विच ऑन हो गया, ये देखिए अभी तो ये सीएनजी का फुल दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा देर के अंदर लेगी वापस ब्लिंकिंग करना चालू करेगा वो। और हम लोग वापस एटो स्कैन करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए एरर तो यही आ रहा है, ये जा रहा नहीं है। ये देखिए तो अभी तो सही दिखा रहा है, चेक इंजन लगा हुआ है क्योंकि कस्टमर बोल रहा है चेक इंजन भी है और वो फ्यूल का भी बंचल होता है। मैं रेस कर रहा हूँ अभी क्योंकि 10 मिनट के अंदर वापस आता है, 10 मिनट के अंदर वापस जाता है वो, तो वो प्रॉब्लम होता ही नहीं जल्दी। ये देखिए मैं सब एरर डिलीट करके वापस एक बार बंद चालू करके देखेंगे क्योंकि ट्रायल में आ जाएंगे प्रॉब्लम शायद ये। ये देखिए अभी तो नो जीटी से प्रेजेंट बता रहा है, तो हम लोग अभी ट्रायल पे जाके देखेंगे क्योंकि अभी भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, अभी प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सीएनजी, इसको अगर हम लोग एक दो बार घुमाएंगे आगे पीछे करके गाड़ी चालू बंद करके तो प्रॉब्लम आ जाता है। अभी चेक इंजन भी चला गया क्योंकि हमने इसका एरर डिलीट किया है। चेक इंजन पण आता कोड बघाय डीटीस एक्चुअली ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक्चुअली क्या हो गया, ये गाड़ी मेरे हाथ में थी, मैं कर रहा था उतने में डीटी सर आके, तो बाद में से जो वेंडर है वो आके इसका सेंसर डायरेक्ट उन्होंने रिप्लेस किया। देखिए हम लोगों ने इसका सेंसर जो है, मैं आपको पहले बोल रहा था क्योंकि इसका आपने कंटिन्यूटी चेक किया, तो ये सेंसर उन्होंने नया डाला, इसको टेप लगा के पूरा फिटिंग करके नया डाला और नया डाल के इसको ट्रायल मार के आया, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं उसका पूरी तरह से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि गाड़ी अगर मेरे हाथ में होते तो मैं बनाता था क्योंकि वारंटी में रिप्लेस होता था, लेकिन जो वेंडर है वो डायरेक्ट आके उन्होंने सेंसर लाया, इसको टॉर्क के साथ डायरेक्ट इसको फिटिंग कर दी उन्होंने और जूना वाला वो खुद लेके गया। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता दूँ ये रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखिए अभी कोई चेक इंजन नहीं लग रहा है, सब लाइट जा रहा है और प्रॉपर दिखा रहा है, सीएनजी भी फुल दिखा रहा है क्योंकि पहले का अगर आप लोग किलोमीटर देखो कितना था, 170 के आसपास था किलोमीटर और अभी 250 पे आ गए, मतलब 48 आ गया, तो इतना किलोमीटर गाड़ी को भगाया क्योंकि ट्रायल मारा उन्होंने, कम से कम 50 किलोमीटर तो ट्रायल मारा रहेगा उन्होंने, 50-60 किलोमीटर ट्रायल मार के चेक किया तो प्रॉपर हो गया और वापस उसके बाद टैंक फुल करके चेक कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार हर एक गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी शाम होने को आई, देखो शाम हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो वीडियो पूरा नहीं बना पाया तो, लेकिन जितना भी है नॉलेज आपको मैं देता हूँ क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी वायरिंग चेक किया है और उसका नंबर भी बता दिया, उसका फोटो भी मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको उसको क्लियर फोटो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे मैं फोटोज और उसका डायग्राम वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आके आप लोग को यूज़ हो जाएगा, आपको यूजफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स और ये गाड़ी का ये पंच गाड़ी है और इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है 100%। आप लोगों ने भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या सीएनजी के गाड़ी का, वो कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आप लोग भी अपना नॉलेज शेयर करना,
तो मैं भी अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो फ्रेंड्स। अभी मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।